आपका किसी और वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी पांच बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट को जॉब सर्च के दौरान है वो अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर वन, नो प्रिपरेशन। सबसे पहली गलती ये होती है कि हम तैयारी नहीं करते हैं, ना रेज्यूमे बनाना ना इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना। और जॉब के हिसाब से एक बहुत ज़रूरी अहम चीज़ है कि सर्च अबाउट द कंपनी। तो बिफोर विजिटिंग एनी वेयर यू हैव टू सर्च मास्टर ऑन कंपनी। तो वहाँ पे आपको एक बेसिकली आइडिया वो लेना चाहिए कंपनी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि आपने हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज़ किया। तो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप रीसेंट के जो अपडेट्स हैं वो बता सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप बता सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो टॉप कंपनी में से आती है और इसका जो रेवेन्यू भी अच्छा रहा है, और आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। ये जस्ट हिंट था। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। जेनरिक रेज्यूमे, तो जेनरिक रेज्यूमे एचआर को लोग भेजते हैं और मैंने कई लोगों को देखा है। खैर ये सच है। तो ऐसा क्या है कि जैसा मैंने एक वीडियो में और बताया था पहले कि साइबर कैफ़े वाले जो भैया हैं उनका फॉर्मेट है वो ट्रेडिशनल है, तो उसको आप अप्लाई ना करें। वो एक उसमें मैंने शो भी किया था। तो रिज्यूमे आपका जो है वो पहला इम्प्रेशन होता है जो कि एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है आपके बारे में। तो वो एक अच्छा होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए, जिसमें कि रिलेवेंट स्किल्स हों और जैसा कि मैंने बताया एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो भी उसके रिलेवेंट है। आपको थोड़ा ऊपर नीचे वर्डिंग से अकॉर्डिंगली वो मैनेज करनी होती है। तो जेनरिक रिज्यूमे का इस्तेमाल है वो आज भी लोग करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर थ्री, कम्युनिकेशन स्किल्स कॉम स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक ही भाषा की बात नहीं है, तो दोनों में सही होना चाहिए। जैसे हिंदी की बात करें तो उसमें प्रोनंसिएशन भी है वो सही होना चाहिए, यानी कि उच्चारण। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, शाह को सा बोलते हैं और जग को बोलते हैं जग, जग सु ना सु। खैर तो ऐसा नहीं करना है। और बात करें इंग्लिश की तो वही है, उसमें वो फ्लुएंट मांगते हैं। फ्लुएंट ना भी हो तो कई बार कुछ जगहों पे फ्लुएंट है, इतनी ज़्यादा भी ना हो बट आपके मीडियम लेवल भी हो, लेकिन उसमें क्या है कि प्रोनंसिएशन है वो ठीक हो, कि उसी का लगे कि हाँ इंग्लिश ही बोल रहे हैं। कुछ का प्रोनंसिएशन हिंदी या इंग्लिश है समझ ही नहीं आता, तो वो ज़रूरी तरीका है कि आप उसमें थोड़ा सा काम करें अगर वो ठीक नहीं है तो। और एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ आप नहीं करें तो अच्छा है इंटरव्यू के दौरान, जैसे कि या कोई एक ही वर्ड है यू नो यू नो यू नो, मतलब रिपीटिंग है ऐसे कोई वर्ड है वो इरिटेशन है बढ़ा देता है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करें। मिस्टेक नंबर फोर की तरफ हम बढ़ते हैं, नो फॉलो अप। तो आपको अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको वहाँ से फॉलो अप है वो ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपकी जो डिसिप्लिन लाइफ है वो दिखती है, आपका जो माइंडसेट है कि हाँ आप थोड़े से केयरिंग हैं। वरना इंटरव्यू दे दिया है कुछ ना आप, वो कई बार डिले हो जाते हैं आपको अपडेट करने में, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस है वो चल रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा फॉलोअप है वो ले लेना चाहिए इंटरव्यू देने के बाद। मिस्टेक नंबर फाइव, नेगेटिव एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाता है, लेकिन नेगेटिव हो तो वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो बढ़ा देता है। तो कई बार हमको रिजेक्शन मिलते हैं इंटरव्यू के दौरान है तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई बार तो फ्रस्ट्रेशन में हम इंटरव्यू के, मतलब करंट इंटरव्यू चल रहा है, हम छोड़ के आ जाते हैं बीच में ही, तो कई बार हो जाती है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है कई बार, इतना प्रॉब्लम है हमें फील होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपको खुद को इतना ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन से हमें काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखने को मिलती हैं जो हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ पांच ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि आपको करेंटली बहुत ज़्यादा केयर के साथ है प्रिपेयर करने चाहिए, बिकॉज वैसे भी थोड़ा सा जो अब कंपटीशन है वो और ज़्यादा हाई है, क्योंकि AI बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अपडेट हुई हैं, तो अप टू डेट आपको थोड़ा सा रहना चाहिए, ये मैं लास्ट में कहेंगे। बस इतना ही, और आगे ऐसे ही और हमें चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।